तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बेस्ट फोन, बढ़िया बढ़िया पार्टी भर के ले जाओ कंपनी वाले लॉन्च करते हैं हम फटाफट, 50,000 से लेके 5,000 तक के फोन है, बढ़िया बढ़िया ले जाओ। बहन जी फोन चाहिए, ये लीजिए। कितने का? 5,000 का। चलिए ये वाला लीजिए, रियलमी सी सीरीज है। आपको कितना चाहिए? 50,000 का। अच्छा सैमसंग का ले लीजिए, S20 बहुत बढ़िया फोन है। नहीं एप्पल चाहिए? कितनी लाए हो? नहीं लाए, फिर ले लो यार, पैसे लाओ ना, ठीक है ये लो। और क्या चाहिए आपको? गेमिंग फोन, IQ3 ले लो, ठीक गेमिंग फोन है, उसके मास्टर बटन में मिलते हैं यार। और आपको क्या चाहिए? बेस्ट फोन चाहिए आपको, 20,000 का भी, 30,000 का भी और 50,000 का भी। मैं रुको 2 मिनट, वीडियो बनाता हूँ, आप पूरी देखना, ठीक है। तो गाइस आप में भी ऐसी कंफ्यूजन होगी, लाश होगी कि सेल लगी, हम भी कुछ ले। तो गाइस मैं आपको बेस्ट फोन बताऊंगा बजट में क्या। मैं आपके प्रीमियम कैटेगरी के मिला, मिड रेंज के मिला और सारी कैटेगरी के, बजट, मिड रेंज, प्रीमियम, सारे फ्लैगशिप के भी, बढ़िया बढ़िया। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं अपने ही सैमसंग के S20 प्लस की। आपको मिलेगा 4999 रुपीज का, ठीक फोन है, 8GB 128 वाला वेरिएंट है इसमें। और बात करते हैं इसके अंदर डिस्प्ले की, 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं मिल रहा है इसके अंदर, 6.7 इंच का डिस्प्ले है पर HD प्लस, हम उम्मीद करते हैं फुल HD पर नहीं देते लोग, क्या करें, इस प्राइस में भी आपको HD प्लस का डिस्प्ले है। 64 और 12 और 12 VGA डेप्थ सेंसर के साथ कैमरे मिलते हैं, 64 मेगापिक्सल, 12 और VGA। अगर आपको लेना है इस प्राइस में आप ये ले सकते हो, 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 4500mAh की बैटरी है, 990। और इनमें से जिस जिस फोनों की मैंने वीडियो बनाई है आपको लिंक नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो आप अगर डिटेल में आपको जानना है। इस वीडियो में तो मैं बस की स्पेक्स बता रहा हूँ आपको, थोड़े बहुत आपको अंदाजा लग जाए कि कैसा है। अगली बात करते हैं इसका नाम सुनते मतलब मन में आ जाता है, खेलने का मन करता है यार, कैसा नाम है, फनी सा, IQ3। ये प्राणी फोन कह लो, प्राणी जो मर्जी नाम भी ऐसा है, 29,999 का फोन है, तब बेस्ट फोन है ना, इसे IQ बोलना बंद, कुछ नहीं बोलना भाई इसको उल्टा, ठीक है। 29,999 का फोन मिलता है ये, 8GB 128 है इसके अंदर वेरिएंट स्टार्टिंग, 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 48, 13 और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 16 मेगापिक्सल का छोटा सा कैमरा है स्क्रीन में, पंचोल में दिखता है आपको, छोटा सी पंचोल है उसकी। और बात करते हैं 4440mAh की बैटरी मिलती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड बैटरी, 4440 55W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 865 का स्नैपड्रैगन मिलता है, बेस्ट फोन है गेमिंग में अगर आपको लेना है या फिर आपको वैसे भी लेना है पर्सनल यूज के लिए, बहुत बढ़िया है। आपको मॉन्स्टर बटन में भी मिलते हैं इसमें, तो वो अच्छी बात है, ठीक है, पावरफुल फोन है, जरूर लो, मेरी तरफ से तो अच्छा सजेशन दीजिए, मतलब मेरा सीना खोल के बोलता हूँ यही लो, ठीक है। अगली बात करते हैं सैमसंग M51 की, वो है 22,000 का, सस्ता हो गया है इस बार सेल में, कार्ड वार्ड का नहीं चाहिए कोई डिस्काउंट, ये डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कार्ड डिस्काउंट वैसे मिल जाएगा अलग से आपको 10% के हिसाब से। तो गाइस इसके प्राइस बात करते हैं तो 22,499 प्राइजेस की। और बात करते हैं वेरियंट के, 6GB 128 वाला वेरियंट है और 6.47 इंच का SMOLED प्लस डिस्प्ले मिलता है फुल HD प्लस, तो डिस्प्ले में इतना कुछ ऐड कर दिया, 6.7 इंच सुपर एमोलेड प्लस फुल HD प्लस डिस्प्ले, ठीक है। 64, 12, 5 मेगापिक्सल के आपको कैमरा मिलता है, 32 मेगापिक्सल की आपको डिसेंट सी सेल्फी मिलती है और 7,000mAh की बैटरी मिलती है, 25W की फास्ट चार्जिंग और 730 का स्नैपड्रैगन, बेस्ट फोन है इस प्राइस के हिसाब से, बैटरा मिल रहा है उसके अंदर तबड़ा बैटरा, 7,000mAh का बैटरा, बैटरी नहीं है बैटरा है, तो बेस्ट ऑप्शन है इस प्राइस के हिसाब से। अगली बात करते हैं वन प्लस के 8 की, मैं कह रहा हूँ इसमें 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, बिल्कुल पैसा वेस्ट मत करो, जेब में रखो अपना पैसा बचा के, आप जाओ 80 का वेट करो, शायद आगे होगा यार, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर, 80 कल आया, परसों में ऑफलाइन था, इस वीडियो में काम कर रहा था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या क्या लॉन्च हुआ, क्योंकि मेरा इस वीडियो में ध्यान था कि क्या देना आपको बेस्ट। तो आप वन प्लस 80 ट्राई कर सकते हो, उसकी प्राइस शायद से आसपास ही है, तो आप बोलो 8 Pro ना लो, वो बेस्ट है 80, ठीक है, वो जाके लो, ट्राई मत करना ये बिल्कुल भी, 80 रास्ते में वो ट्राई करो, ठीक है। अगली बात करते हैं मीट 10, इसकी प्राइस है 44,999 रुपीज, अमेजोन पे मिलेगा, मी स्टोर पे मिलेगा, ये फोन अच्छा है, बेस्ट फोन है, इसके अंदर मैंने सारे फोन लाया फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, मी स्टोर के सारे, मतलब आपको बताता हूँ फटाफट, 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, OLED सुपर एमोलेड और 108 मेगापिक्सल का कैमरा और 13 और 2 मेगापिक्सल के कैमरे दिए हैं, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी और 865 स्नैपड्रैगन देता है और 4780mAh की बैटरी, 30 वायर्ड और वायरलेस दोनों है। और आप नोट 9 सीरीज में भी कुछ ट्राई कर सकते हो, उसमें भी 1,000-2,000 का डिस्काउंट अलग अलग मिल रहा है, वो ट्राई करिए आप, अगर बजट में आपको कुछ लेना है तगड़ा तो वो बहुत बढ़िया चीज है,
तो जाओ ट्राई करो और मुझे नीचे कमेंट में करो कि हमने ये वाला लिया है, हमने ये लिया है, ये बेस्ट है या ये नहीं। अगर देखो आपने फोन लिया ना, आप बस मेरे से पूछो मैंने ये फोन लिया है क्या ये लेना ठीक है कि मैंने ले लिया, आपने कुछ बोला नहीं, आपने वीडियो में तो बताया नहीं मैंने ले लिया तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप कुछ सोच रहे हो ना मैं अगर लेना ये तो उसके लिए भी कमेंट कर दो मेरे को ये लेना भाई ये ठीक फोन है इस प्राइस के हिसाब से तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है अगली बात करते हैं हम आईफोन 11 की। इसके अंदर मिलता है 49,999 का प्राइस, 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और 12 मेगापिक्सल के दोनों कैमरे, 12 मेगापिक्सल की सेल्फी, A13 बायोनिक चिप और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है पर देते नहीं ये फास्ट चार्जर अंदर। ठीक है वायरलेस चार्जिंग भी है चला लेंगे काम, इस बार तो चार्जर ही नहीं दिया अलग ही काम कर दिया इन्होंने। और बात करते हैं आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं एप्पल में, अगर 35,000 का आपको लेना तो SE ट्राई करो या 11 सीरीज तो ठीक है, ये सारी चीजें इनके बारे में तो आप ट्राई करो जाके देखो, आप थोड़ा सोशल रहो थोड़ा चेक करो। अगली बात करते हैं जिन्होंने मेरा दिल खुश कर दिया, दिल बाग बाग कर दिया, बस सेल के वक्त वो थोड़ा दुखी कर देता है, LG G8X। ये दिखा तो सस्ता है पर देते नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, जैसे सैमसंग A80 के टाइम पे हुआ था। ये LG G8X मिलता है स्टार्टिंग में 6GB 128 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, ड्यूअल डिस्प्ले, 12-13 मेगापिक्सल के आपको कैमरा मिलते हैं, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और 4000mAh की बैटरी और 855 का स्नैपड्रैगन। इस प्राइस के सबसे बहुत बढ़िया फोन है, आपको ड्यूअल डिस्प्ले मिलेगा और बाकी इतने सारे तगड़े फीचर्स है, आपको डिस्प्ले आप अटैच भी कर सकते हो हटा भी सकते हो तो आपकी मर्जी, तो आप देख लेना कैसा फोन है आपकी मर्जी है चेक करना। तो बस यार ये था ये। अगले बात करते हैं हम रियलमी X3 सुपर जूम और X3, तो दोनों फोन बेकार है वो बिल्कुल, मतलब यार 1000-2000 का डिस्काउंट मिला उस चक्कर में बेकार चीज क्यों ले, इससे अच्छा आप K20 सीरीज ट्राई करो, K20 Pro। ये तो बेकार है, इसका डिस्प्ले बहुत बेकार है, इसके इश्यूज इतने आ रहे डिस्प्ले और बैटरी के, तो मैंने वो देख रहा था मेरे को पसंद नहीं आई ये चीज कंपनी की तरफ से। वैसे मैं रियलमी ये नहीं कि रियलमी ऑफेंड कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं गाइस, आप रियलमी 7 प्रो ट्राई कर सकते हो क्योंकि मैंने एक भी रियलमी का नहीं लिया, आप रियलमी X50 या फिर 7 प्रो ट्राई कर सकते हो सेल पे, X50 भी आपको मिल रहा है 35,000 का, वो भी बेस्ट फोन है उस प्राइस के हिसाब से, आप वो ट्राई करो या फिर ये। ठीक है चलते हम बाय बाय, चलते नहीं मतलब अगली बात करते यार मैं बोल दिया गलती से। तो बात करते हैं सैमसंग के नोट 10 प्लस की, वो मिलते हैं आपको 54,999 का 999। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एप्पल 11 छोड़ो और दूसरा भी छोड़ो, ये बेस्ट लगा मेरे को, थोड़ा अच्छा लगा, पावरफुल सा फोन है, इसके अंदर बनती है अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए तो ये बेस्ट है, इसके अंदर 12GB और 256 की स्टोरेज मिलती है, 12GB की रैम 256 की स्टोरेज, कितना पावरफुल होगा आप सोचो। और बात करते हैं इसके अंदर हम 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलेगा आपको, कर्व से होते हैं, 12 मेगापिक्सल की कैमरा मिलेगा और 16 का एक TOF सेंसर के साथ आता है, कैमरा अच्छा है इसका पावरफुल है, मैंने देखी बहुत सी वीडियोस अच्छा लगा मेरे को देख के, और 10 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 4300mAh की बैटरी और एक्सिनोस 9825। ठीक है बस स्नैपड्रैगन होता और पावरफुल होता, चलो ठीक है चला लेगी काम। तो गाइस ये तो सारे हो गए महंगे फोन, सस्ते फोन आ गए, पर आपको मैंने बजट सीरीज में बताया अंडर 10,000, तो आप रियलमी सी सीरीज ट्राई करो, C11 भी डिस्काउंट अच्छा मिल रहा है 6,999 का, C15 भी अच्छा मिल रहा है, तो सारे आप सी सीरीज के ट्राई कर सकते हो, हर कैटेगरी में निकाले हुए रियलमी ने, आपकी जो जितना बजट है आप उस हिसाब से लो, अगर आपको लेना तो C15 लो ठीक है वो फोन उस प्राइस के हिसाब से, या फिर 9 Prime आया था ना जो रेडमी का वो ट्राई करो। ठीक है आप जाके देखो अमेजोन पे, मैं शायद कोशिश करता हूँ सबके लिंक दे पाऊँ नीचे, या नहीं दे पाया तो आप जाके सर्च करना, वहां जाके सिंपली देख लेना, या फिर नीचे इजी पड़ेगा लिंक से खोलना तो आप लिंक से भी देख सकते हैं, मैं डालने की कोशिश करूंगा लिंक। अगली बात करते हैं अगर आपको बेस्ट सस्ते में फ्लैगशिप चाहिए ना, मैंने बताया K20 Pro लो, अच्छा फोन है, आग बंद करके भरोसा कर सकते हो रेडमी पे अभी के लिए। तो ठीक है तो चलते हैं हम बाय बाय, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए फन के साथ अच्छे से। आप चाहते हो कि मैं लैपटॉप की वीडियो निकालूं अभी सेल पे जो लेने हैं लोगों ने, तो आपके लिए वो निकाल देता हूँ वीडियो, मैं अलग अलग कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ ना तो टाइम लगेगा हर चीज के लिए, थोड़ी स्टडीज भी देखनी पड़ती, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी अपनी, तो सारी चीज देख के मैं करता हूँ सारे काम। तो थक गया मैं बोल बोल के, अब पानी पीता हूँ कुछ ठंडा भी पीता हूँ, अभी बाल्टी रख के आता हूँ गाले पड़े इससे पहले, तो बस पानी पी के आते हैं हम, मिलते किसी नई वीडियो में, अगले वीडियो में आएंगे ना ऐसे कैमरा स्किप करके।